मॉर्निंग स्टूडेंट और स्टूडेंट, कल हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक चीज़ पढ़ी कि व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होती है। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन के थ्रू आपको समझाया कि अकाउंटिंग होती क्या है। सेकंड चीज़ कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए मैं बार बार कहता हूँ बेटर टू गो विद द डेफिनेशन, वो भी मैंने आपको बताया था डेफिनेशन के साथ। देखिए, एक चीज़ जो सबसे पहले आपको सोचना है, जो सच में एक सोचने वाली बात है, वाई डू वी नीड टू मेंटेन एन अकाउंट। आपको एक लॉजिक मैं दे रहा हूँ, आप समाज में क्योंकि आप 11th में अभी आपके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है अकाउंट्स का, बिजनेस के बारे में ज़्यादा सोचे नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सोचिए आपके अगल बगल जो भी शॉप्स हैं, जो भी बिजनेस हैं, एक बिजनेसमैन एक दिन में बहुत सारे ट्रांजैक्शन करता है, एक शॉपकीपर एक दिन में बहुत सारे ट्रांजैक्शन करता है। तो कभी किसी दिन किसी को कोई मालिक किसी को वेजेस देता है, किसी को सैलरी देता है, किसी को कमीशन देता है, कभी दुकान का किराया चुकाता है, कभी बिजली की बिल भरता है, और जो परचेज और सेल करते हैं वो तो प्राइमरी फंक्शन है ही। ठीक है, गॉट इट। अब सवाल ये उठता है कि जब मेरे मन में आता है व्हाई डू वी नीड टू मेंटेन अकाउंट, तो सबसे पहली चीज़, यू नो व्हाट, द मैन हैज़ अ लिमिटेड मेमोरी टू मेमोराइज समथिंग। हमारी और आपकी क्षमता ऐसी नहीं होती कि 4 साल 2 साल, या मतलब एक दुकानदार के नज़रिए से सोचिए तो सुबह में कौन आके क्या सामान लेके गया, या कल किसने सामान लिया, या 4 दिन पहले कौन सामान लिया और आज कौन ले रहा है, सबको याद रखना आसान नहीं होता। हो सकता है कि कुछ लोग थोड़ा याद भी रख सकें, बट एक चांसेस होती है, प्रोबेबिलिटी होती है गलती को होने की। तो जब मेरे मन में आता वाई टू वी नीड टू मेंटेन एन अकाउंट, तो सबसे पहली चीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। सब इसका सिंपल सा फॉर्मूला है टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, क्योंकि हम हर चीज़ को याद नहीं रख सकते, इसलिए हम रिकॉर्ड करते हैं। बात समझ में आई कि जीवन में अकाउंट क्यों मेंटेन करना चाहिए, अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसीलिए क्योंकि हम हर चीज़ को याद नहीं रख सकते। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये रिवीजन कराया, बिकॉज यू ऑल आर इन क्लास 11। अब देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में बेटर टू गो एंड वॉच लास्ट वीडियो व्हाट इज अकाउंटिंग की वीडियो को एक से ज़्यादा बार आप देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो, आई एम टेलिंग यू। तो उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब हम अकाउंट मेंटेन करने जाते हैं, तो मैंने उस पर 3 ग्राफ बना के बताया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर किए होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरी वीडियोस मिलेगी, उसमें क्लास 11 के लिए एक मैंने वीडियो बनाया था काउंसलिंग वाली वीडियो के बाद, व्हाट इज़ अकाउंटिंग, उसको देखिए मैंने 3 ग्राफ बनाया जिसने बताया कि अगर अकाउंट मेंटेन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अभी मैंने आपको बताया, अगर दुनिया का हर शॉपकीपर जिसका सेंस, सबका दिमाग अलग अलग है, कोई किसी तरीके से अकाउंट मेंटेन करता है, कोई किसी तरीके से कर सकता है, कोई किसी तरीके से कर सकता है, तो एक यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत पड़ती है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब एक कानून की ज़रूरत पड़ती है, एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ती है। हम रोड पर चलते हैं तो सब अपने नियम से तो चलते नहीं, कुछ कानून का पालन करते हैं। उसी तरीके से जब हम अकाउंट मेंटेन करते हैं तो भी कुछ कानून का पालन करना पड़ता है, कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं दैट वी नीड टू फॉलो, कुछ सिस्टम है जिस सिस्टम के अंदर रहकर के हमें इन चीज़ को करना होता है। तो फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि द सिस्टम दैट वी फॉलो टू मेंटेन द अकाउंट इज नोन एज डबल एंट्री सिस्टम। हम किस सिस्टम को फॉलो करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब मैंने उसे बताया था, सिंगल एंट्री सिस्टम भी होता है। मैंने इंडियन अकाउंटिंग के बारे में आपको बताया था कि दीपावली में लाल लाल मोटी मोटी बुक लेके मुंशी जी लोग चलते थे, दीपावली टू दीपावली अकाउंट मेंटेन होता था, और क्या बोलते थे उस पेजेस को, जो इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम होता था, जो रोकड़ भाई होती थी, पेजेस को मोड़ के काम चलाते थे। जब हमने क्लास 12 किया था, चूँकि यूपी बोर्ड से हूँ, तब मैंने हम लोगों ने पढ़ाई किया था इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। बट अब यूनानिमसली एक सिस्टम को जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज नोन एज डबल एंट्री सिस्टम। नाउ फ्रेंड स्टूडेंट्स,
सेकेंडरी थिंग जो कि याद रखिए अकाउंटेंसी की ABCD, जिसको ये नहीं आता वो जीवन भर अकाउंट नहीं सीख सकता। व्हाटएवर इन अकाउंट यू विल लर्न इन नेक्स्ट 10 ईयर, बट एवरीथिंग विल बी बेस्ड ऑन दिस दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, दैट इज गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। That is golden rules of accounting, या इसको debit and credit rule of ना इसको या तो golden rule कहते हैं या तो debit credit rule भी कहते हैं। ठीक है, होता क्या है कि आपके बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको कैटेगरी वाइज बांट दिया है। पहला एक 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 खाता एक अकाउंट वाइज जो बांटा गया, पहला क्या है पर्सनल अकाउंट, रूल क्या कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाले को डेबिट कर लीजिए और गिवर को देने वाले को क्रेडिट कीजिए। आप सोचेंगे सर डेबिट और क्रेडिट क्या है, एक्चुअली डेबिट और क्रेडिट अकाउंटिंग का एक टर्म है, एक टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, जितने रुपए अकाउंटिंग का रूल होता है, जितने रुपए से कोई अकाउंट डेबिट होता है उतने रुपए से कोई ना कोई अकाउंट क्रेडिट भी होगा, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। सेकेंड रूल होता है रियल अकाउंट, इसका रूल क्या कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा नियम होता है नॉमिनल अकाउंट, तीसरा नियम क्या होता है नॉमिनल अकाउंट, जो कहता है ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड and gains are credited। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको इन नियमों को समझा दूं। सबसे पहले जो लिखा है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में क्या कौन कौन शामिल होते हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है पर्सन, लेकिन मैंने कंपनी आपको तो नहीं तत्व में बताया, बट कंपनी की डेफिनेशन एक बार थोड़ी देर के लिए मैं आपको पढ़ रहा हूँ। कंपनी की डेफिनेशन ही कहती है ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एग्जिस्टिंग ओनली इन द आईज ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन। तो पर्सनल अकाउंट में दो दो पर्सन आते हैं, एक हम जो रियल पर्सन है
एक आर्टिफिशियल पर्सन भी होता है, जैसे किसी फर्म का नाम SNS नेशनल स्कूल, ये फर्म का नाम है। SNS नेशनल स्कूल के नाम से आप कोई चीज़ खरीद भी सकते हैं। तो जब SNS नेशनल स्कूल कोई ट्रांजैक्शन करेगा अगर, और पर्सनल अकाउंट में कह रहे हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जब हम SNS नेशनल स्कूल को देखेंगे तो उसके पास जो रिसीवर है अगर उसके पास कोई चीज़ आए तो उसको रिसीव डेबिट करेगा, और कोई गया जो गिवर है जो देने वाला है उसको क्रेडिट करेगा। रिसीवर को डेबिट और गिवर को क्रेडिट। और पर्सनल अकाउंट में दो पर्सन होते हैं, एक आर्टिफिशियल पर्सन और एक रियल पर्सन, जो मैं आप जानता हूँ। दूसरा है रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्म में ये सब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा इंडिविजुअल पे नहीं लिया जाता। फर्म में वो हर चीज डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आए उसको डेबिट कीजिए, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और जो जाए उसको क्रेडिट कीजिए। ये रूल कहता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में कौन सी चीज शामिल होती है, वो हर चीज जो दिखे जिसका प्रमाण हो, फॉर एग्जाम्पल मार्कर, मैं छू सकता हूँ मार्कर, ठीक, बोर्ड, मैं बोर्ड को छू सकता हूँ। फर्म में कोई भी चीज़ आ रही है, स्टेशनरी खरीदा, मोटरसाइकिल खरीदा, वो सब जो मतलब मूर्त रूप से दिखे, दैट इज रियल अकाउंट। अभी आपको नहीं समझ आ रहा है, जब नॉमिनल बताएंगे तो मूर्त रूप से जो दिखने वाली बातें होती है। नॉमिनल अकाउंट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नॉमिनल का मतलब नाम मात्र, कहते हैं ना मेरी चाय में नॉमिनल शक्कर देना, नाम मात्र। नॉमिनल शब्द का मतलब ही होता है नाम मात्र। तो नॉमिनल अकाउंट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, सभी खर्चों को और घाटों को डेबिट कीजिए और सभी फायदों को क्रेडिट कीजिए। मतलब अगर कोई खर्चा हो तो उसको डेबिट कीजिए, कोई घाटा हो तो भी डेबिट कीजिए, और कोई भी तरीके किसी भी तरीके का प्रॉफिट है तो उसको क्रेडिट। अब नॉमिनल अकाउंट में क्या, किसकी कैटेगरी में कौन कौन से किस तरीके की चीज़ों को रखा जाए। नॉमिनल अकाउंट का मतलब हर चीज़ जो दिखे बट मतलब जो हो बट महसूस ना हो, मतलब उसकी एक जैसे हवा है, हम सांस तो लेते हैं बट दिखती नहीं, वैसे ही कुछ नॉमिनल अकाउंट में भी होता है। जैसे कमीशन रिसीव्ड, जब हम कमीशन रिसीव करते हैं, हमने कहा कमीशन रिसीव किया तो आप पूछेंगे ना सर क्या रिसीव किया, तो हम पैसा दिखाएंगे। कमीशन कोई चीज़ ऐसी नहीं जो दिखेगी, हाँ जब भी दिखाएंगे क्या क्या रिसीव किया, कमीशन रिसीव किया, कितना, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200, 500, जो भी। सैलरी दिया, सैलरी मिली, मान लीजिए मुझे सैलरी मिलती है तो मैं कहूँगा क्या मिली, आपने पूछा क्या मिली, कहेंगे सैलरी, कहेंगे दिखाइए, तो अब सैलरी क्या दिखाएंगे, कैश दिखाएंगे। कैश तो जो दिखता है वो रियल अकाउंट का, कैश रियल अकाउंट की कैटेगरी में चला गया, लेकिन सैलरी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको दिखाई जा सके। मजदूरी दिया, जब मजदूरी हम देंगे तो मजदूरी का मतलब क्या है, कैश जाएगा, तो कैश रियल अकाउंट है, वो दिखता है, लेकिन मजदूरी कोई ऐसी चीज नहीं जिसको दिखा सके। तो ये सारी की सारी कैटेगरी जो है वो नॉमिनल अकाउंट में चली जाए। और आपको एक बात बता दूं, जितनी बार इस वीडियो को देख सकते हो उतनी बार आप देखिए, जितनी बार आप इस नियमों को याद कर सकते हो उतनी बार नियमों को याद कीजिए, और जब तक ये नहीं आएगा आपको जनरल एंट्री, जो क्लास 11th में जो जनरल एंट्री है वो नहीं आएगी, और जिसको जनरल एंट्री नहीं आती उसको कुछ भी नहीं आ सकता। वी विल स्टार्ट फ्रॉम जनरल एंट्री According to the book, we will not start from accounting equation. If you know any seniors, then you may go and ask. This is the very fundamental thing. If you will know how to generalize the transaction, then easily you can say what is accounting equation. अगर general entry सीख लेंगे तो accounting equation बहुत आसान है, लेकिन अगर accounting equation से आएंगे general entry सीखने के लिए, it will be a little harder. ओके, आप अपने सीनियर से पूछ लीजिए, हम भी ऐसे ही पढ़ रहे हैं, पहले जनरल एंट्री, हाँ बुक में आपको पहले अकाउंटिंग इक्वेशन मिलेगा, शायद 6, 7, 8, 9 कुछ बुक्स में तो 9th वाला चैप्टर दिया जनरल एंट्री का। तो स्टार्ट फ्रॉम द जनरल एंट्री, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द जनरल एंट्री,
Okay, if you want to watch, if you want to check in your book, then go and read it out, the general entries chapter. Thank you.